नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए हेडलाइंस में सबसे पहले देखते हैं देश की खास खबरें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा दिन 5, मुख्य पुजारी सतेंद्र दास बोले, प्राण प्रतिष्ठा से पहले नई प्रतिमा में राम की आंखों से कपड़ा हटाना गलत। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कोल्ड वेव का रेड अलर्ट, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ी। ममता बोली, तवज्जो नहीं मिली तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। INDIA की अहम पार्टियों में TMC, बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की शेयरिंग पर बवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, भाजपा और RSS दिल्ली से देश पर शासन करना चाहते हैं। दिल्ली में घर में आग, खराब रूम हीटर, दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक लॉक के कारण हुई 6 की मौत। आइए अब नजर डालते हैं राज्य की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने आधी रात को जयपुर के एक पुलिस थाने का औचक निरीक्षण किया। जोधपुर में कुत्तों से बचने की कोशिश कर रहे भाई बहन ट्रेन की चपेट में आए, हुई दर्दनाक मौत। अयोध्या जाएगा सीता माता के लिए विशेष तौर पर तैयार सुहाग चूड़ा, जयपुर में तैयार करवाया सुहाग प्रतीक। अनिल विज ने कहा, शहीद स्मारक के लिए 20 साल तक लंबी लड़ाई लड़ी, हमारी सरकार स्मारक बनाएगी। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड जगत की खास खबरें। डिंडीगुल, तेजपुर और पुणे में हवाई अड्डों पर फिल्माए गए फाइटर की सीन। गदर 3 पर बोले डायरेक्टर अनिल शर्मा, तारा सिंह बनकर फिर लौटेंगे सनी देओल। आइए अब नजर डालते हैं खेल जगत की खास खबरों पर। ग्लेन मैक्सवेल ने छोड़ी मेलबर्न स्टार्स की कप्तानी। जापान से हारकर भारतीय महिला हॉकी टीम ओलंपिक रेस से बाहर। आइए अब देखते हैं कारोबार जगत की प्रमुख खबरें। शेयर बाजारों में 22 जनवरी को अवकाश रहेगा। यूके प्लांट में ब्लास्ट फर्नेंस बंद करेगी टाटा स्टील, 2800 लोगों की छटनी की आशंका। आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खास खबरों पर। गाजा में फिलिस्तीनी मृतकों की संख्या बढ़कर 24,762 हुई। यमन में विस्फोट में 3 सैनिकों की मौत। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com पर लॉगिन करें और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और प्ले स्टोर से जाकर हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।